गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को एक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 49 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना था, जिनमें से 38 को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। अहमदाबाद में 13 साल पहले हुए इस सीरियल ब्लास्ट में 70 मिनट के अंदर अंदर 20 जगहों पर एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और इनमें 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अदालत में कुल 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला, उनमें से 49 को दोषी करार किया गया और बाकी 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। उस शाम करीब शाम को 6:30 बजे मणिनगर चार्ज से वहाँ पे मेरा भाई वो वहाँ जेरोक्स करवाने खड़ा था और वहाँ किटली थी, वहाँ चाय पी रहा था, वहाँ धमाका हुआ। उसको तो पता नहीं था क्या हुआ, वो बेहोश हो गया और वहाँ से वो लोग सब उनको लेके एलजी हॉस्पिटल में ले गए। एलजी हॉस्पिटल में बहुत कुछ करने के बाद आधे घंटे में उनकी देहांत हो गई और देहांत होने के बाद हम सभी लोग वहाँ खड़े थे और 10 मिनट में और धमाका हुआ और उस टाइम हमारे फैमिली के 25 मेंबर वहाँ थे और चिराग के पास और उस धमाका इतना ज़ोरदार था, समझो हम सब गए। लेकिन सद्भाग्य ऐसा था कि हम सब बच गए और धमाका एलजी हॉस्पिटल के बाहर वो जो गेट था वहाँ कार बम पड़ा था, वो दूसरा कार बम वहाँ फटा और फिर वहाँ वो धमाका होने के बाद हम लोग को सभी कॉर्डन कर लिया, हमको सिक्योर कर दिया। पिछले कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा था और आज जाकर इस मामले में दोषियों को कोर्ट में सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े लोगों ने किए थे। वहीं पुलिस का मानना था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की प्रतिक्रिया में ये धमाके किए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के आदेश पर ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने 19 दिनों में पूरे मामले का पर्दाफाश किया। स्पेशल टीम ने महज 19 ही दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल में डाल दिया था। वहीं इसके बाद बाकी आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अहमदाबाद में हुए इन धमाकों से पहले आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाके करवाए थे, जहां पहले इस मामले में 2 फरवरी को फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज AR पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद 8 फरवरी को अदालत ने कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया, 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में कुल 78 आरोपी थे, इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस बड़े मामले में 13 साल तक सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान 1,163 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इस मामले में पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6,000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए थे। स्पेशल कोर्ट का यह फैसला एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई।